हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द टू क्रूशियल चेंजेस द सीड्स अंडरगो व्हाइल रीचिंग मैच्योरिटी दैट एनेबल देम टू बी इन अ वायबल स्टेट अंटिल द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। सो क्वेश्चन में पूछा है कि सीड्स अपने अंदर कौन से दो इंपॉर्टेंट चेंजेस करती हैं जब वो मैच्योर होती है, मैच्योरिटी लेवल पर होती है, सो दैट जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक वो वायबल रहे या लिविंग स्टेट में रहे। सो द की कांसेप्ट इज सीड डोरमेंसी एंड वायबिलिटी। तो डोरमेंसी मतलब क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज। कि सीड क्या करती है, कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ज्यादा गर्मी हो गई या कुछ भी जिसमें वो झेल नहीं पा रही अपने आप को, तो वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है और अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको स्टॉप कर देती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो अगेन क्या करेगी, वो वायबल हो जाएगी। वायबल मींस फंक्शनल हो जाएगी, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जो मैच्योरिटी होने पर सीड्स करती हैं, सो दैट जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक वो वायबल रहे, फंक्शनल रहे। फर्स्ट है डेसिकेशन, दैट इज वाटर लॉस। तो जैसे ही सीड मैच्योर होती है वो क्या करती है, अपना वाटर को लॉस कर देती है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वाटर का काम क्या है, सीड का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखना, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हो रही हैं वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है और सीड को जिंदा रखना है, फंक्शनल रखना है, तो वो क्या करती है, अपना वाटर लॉस कर देती है। सो दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ना ही ज्यादा एनर्जी लॉस हो और ना ही वाटर लॉस हो, वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो कैसी हो जाएगी सीड, ड्राई हो जाएगी। या कह सकते हैं इसने अपनी एक्टिविटीज को क्या कर दिया, पॉज कर दिया, कुछ टाइम के लिए रोक दिया है और ये रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, डोरमेंसी के स्टेज में ही चली जाती है, जहां पर ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती है और ना ही यहाँ पर इसकी कोई रॉटिंग होती, ना ही ये सीड खराब होती, बिकॉज इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो स्टोर्ड ही रहती है, वो यूज अप नहीं होती है। तो कुछ टाइम तक सीड अपने आप को क्या कर रही है, एक्टिविटीज को रोक रही है वाटर लॉस करके, सो दैट जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, वार्मथ एंड मॉइस्चर सही तरीके से उसको मिलेगा, तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगी। दूसरा मेथड होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी में क्या होता है, सीड्स कुछ सेफगार्ड्स बना लेती हैं या प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती हैं अपनी चारों तरफ, सो दैट उनमें स्प्राउटिंग ना हो, वो जर्मिनेट ना करें अनफेवरेबल कंडीशंस में और फेवरेबल कंडीशंस तक का वो वेट कर सकें। जैसे कि कुछ सीड्स क्या करती हैं, दे डेवलप अ टफ आउटर कोटिंग, एक अपनी बहुत ही टफ कोटिंग बना लेती है अपनी चारों तरफ कुछ सीड्स, और ये आउटर कोटिंग को कौन तोड़ सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक वाटर या वार्मथ है। तो जब इनफ वार्मथ होगी, इनफ वाटर मॉइस्चर अवेलेबल होगा, तो ये क्या होगा, डोरमेंसी से वायबल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। या कुछ ऐसी सीड्स भी होती हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर देती हैं, सो दैट उनका जर्मिनेशन ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इससे सीड क्या कर रही है कि जब उसके सराउंडिंग कंडीशंस, जब उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल होंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तभी वो जर्मिनेट करेगी, अदरवाइज वो रेस्टिंग स्टेज में पड़ी रहेगी। तो डोरमेंसी एंड डेसिकेशन वाटर लॉस, ये दो मेथड्स होते हैं जिससे कि सीड अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में रखती है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो अगेन वायबल हो जाएगी, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।